गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। और जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, मतलब लेक्चर नंबर 2, जो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, इसमें हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की। यस, तो जैसे कि आपको पता है आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड जो फैक्ट है इसको हम लोग समझते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे है, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कॉमन होती है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यस, तो अगर हम बात करें कुछ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की, तो पहला फैक्ट तो ये कहता है कि जो ग्लाइकोलिसिस की साइट है, मतलब ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस कहां पर होगी। आपको पता है जैसे सपोज दैट ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल्स के अंदर ये क्या है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका माइटोकांड्रिया है, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। तो जो ग्लाइकोलिसिस की साइट होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर हमने ग्लूकोज बनाए हैं, फिर ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलिसिस हम करेंगे साइटोप्लाज्म में, और इससे हम क्या बनाएंगे, पैरविक एसिड बनाएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो पाइरुविक एसिड होता है। मतलब वन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पाइरुविक एसिड का दो मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि पाइरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो ग्लाइकोलिसिस की साइट होती है प्लांट सेल्स के अंदर वो होती है साइटोप्लाज्म की। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जब पाइरुविक एसिड बन जाता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से, तो हम पाइरुविक एसिड का एसिटाइलेशन कराते हैं, क्योंकि एसिटाइलेशन का मतलब होता है कि पाइरुविक एसिड से हम एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं। तो पाइरुविक एसिड से जब हम एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। और ये जो प्रोसेस है, आपको पता है एसिटाइलेशन प्रोसेस लिंक रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। और आपको पता है क्रेब्स साइकिल कहां रन करती है, माइटोकांड्रिया के अंदर। तो पाइरुविक एसिड का फिर हम क्या कराते हैं, पाइरुविक एसिड से हम फॉर्मेशन करते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए का, और जो एसिटाइलेशन प्रोसेस है इसको लिंक रिएक्शन माना जाता है, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में रिएक्शन होती है। तो ग्लाइकोलिसिस और माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होने वाली क्रेब्स साइकिल के बीच की जो लिंक रिएक्शन है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें टीसीए साइकिल की, जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, तो जब एसिटाइलेशन हो जाता है, मतलब एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है माइटोकांड्रिया के अंदर, तब आपको पता है क्रेब्स साइकिल माइटोकांड्रिया के अंदर उपस्थित जो मैट्रिक्स है, यस, वहां पर हम क्रेब्स साइकिल रन करते हैं। आपको पता है मैट्रिक्स में जो क्रेब्स साइकिल्स के जितने भी एंजाइम है उपस्थित होते हैं, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम जब क्रेब्स साइकिल में उपस्थित हम यहां पर कुछ एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं NADH+H+, FADH+S+, इनको हम कहां ले जाते हैं, माइटोकांड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, और वहां से हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो फाइनली अगर हम देखें तो क्रेब्स साइकिल कहां रन करती है, माइटोकांड्रिया में। इस तरीके से फाइनल हम एटीपी बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पता है ये माइटोकांड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है, या जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, क्यों, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम इस तरीके के फास्फोराइलेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्योंकि आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जो हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं, इसका फाइनल उद्देश्य ये है कि जो फोटोसिंथेसिस में आपको आपने जो कार्बोहाइड्रेट बनाया था, ग्लूकोज बनाया था, उसको हम ब्रेक डाउन करके फाइनली हम एटीपी का फॉर्मेशन करें, यही उद्देश्य है। तो फाइनली हम क्या बनाएंगे, एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो एक कॉमन पाथवे, मतलब कॉमन फेज है, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या एनारोबिक हो। आप सिंपल सी बात सोचिए कि अगर हमारी मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स में प्रॉपर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन अगर प्लांट के केस में आप आएंगे तो प्लांट के सेल में भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन न उपस्थित हो। तो अगर प्लांट के सेल में ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होगा तो रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा, एनारोबिक हो जाएगा। लेकिन एनारोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन के पहले हम ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट ही करते हैं, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो। मतलब ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है वो कॉमन पाथवे है, इस बात को आपको माइंड में रखना है। क्लियर है? चल,
involves a series of 10 biochemical reactions in cytoplasm. जब आप ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को मैं आपको दिखाऊंगा तो वहां पर टोटल प्रोसेस 10 स्टेप में कंप्लीट होती है और ये एक एंजाइमेटिक कंट्रोल रिएक्शंस है, एंजाइमेटिक कंट्रोल प्रोसेस है। किस तरीके से ग्लूकोज को हम प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से 100% ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, पार्शियली हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। इसलिए जो हमें एटीपी का जो नेट गेन होता है ग्लाइकोलाइसिस में, वो 2 एटीपी का होता है। बनते तो 4 है लेकिन 2 एटीपी यूज हो जाते हैं। तो आप सिंपल सोच के देखिए कि वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं, तो वो कहां से एनर्जी बनाएंगे? तो वो इसी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से तो बनाएंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के लिए साइटोप्लाज्म चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए। तो आप देखिए वो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वहां पर जो एटीपी का सोर्स है वो यही ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है। Neither consumption of oxygen. देखो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है, ना तो इसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, अर्थात ना ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, और ना ही किसी तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होता है। मतलब ना तो ऑक्सीजन आएगा इनपुट होगा और ना CO2 का आउटपुट होगा। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज दैट हमने C6H12O6 ग्लूकोज का हमने पार्शियली ऑक्सीडाइज किया, तो हम इसको पाइरुविक एसिड में बनाते हैं, और पाइरुविक एसिड जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है पाइरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, क्लियर है मेरी बात? और जो हमारा ग्लूकोज है वो कितना है? 6 कार्बन कंपाउंड है। तो हम पाइरुविक एसिड के लिए पाइरुविक एसिड का इसीलिए हम 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं कि जितना कार्बन हम यहां से लेके चले थे, मतलब 6 कार्बन हम यहां से लेके चले थे, तो 6 कार्बन हमें यहां पर भी मिल रहा है, मतलब पाइरुविक एसिड के हम 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो आप देख पा रहे जितने कार्बन थे उतने कार्बन ही है, इसलिए कोई कार्बन का लॉस नहीं होता, इसलिए कोई भी लिबरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की नहीं होती, इस चीज को याद रखेगा। और जब आप पूरा ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस देखेंगे तो वहां पर कहीं पर भी ऑक्सीजन जो है इनपुट नहीं है, यही चीजें यहां पर बताई गई हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस क्या कहता है? इन ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या करते हैं, एक ग्लूकोज से प्रोड्यूस कराते हैं 2 मॉलिक्यूल, किसके? पाइरुविक एसिड के। और ये पाइरुविक एसिड कितना होता है? 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो ये कुछ फैक्ट थे, चलिए थोड़े से प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते। सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन क्या होता है? कई बार एक वर्ड आ जाता है कि सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन क्या होता है। सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं, सबस्ट्रेट लेवल के फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कि जब हम एटीपी का फॉर्मेशन करें, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रोसेस फॉर्मेशन करें, लेकिन ये फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की हेल्प से ना हो, तो इस तरीके के एटीपी के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन। अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएंगे तो आप देखिए ग्लाइकोलाइसिस में हम टोटल 4 एटीपी बनाते हैं, तो 4 एटीपी हम बना रहे हैं, इसका मतलब जो सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन है वो कितना करते हैं? 4 बार 4 एटीपी बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा इस 4 एटीपी में 2 एटीपी चूंकि यूज हो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, इसलिए नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का होता है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द सबस्ट्रेट रिलीज एनर्जी। सबस्ट्रेट्स क्या है ग्लाइकोलाइसिस में? आपको पता है ग्लूकोज है, जबकि प्रोटीन भी हो सकता है कुछ प्लांट सेल में, प्रोटीन भी हो सकता है, दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे तो सबस्ट्रेट्स क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो रिलीज करता है एनर्जी को, उसी एनर्जी का तो यूज करके हम एडीपी से एटीपी बनाते हैं। एनर्जी फॉर फास्फोराइलेशन ऑफ एडीपी और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन कार्ड इस तरीके का प्रोसेस को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब क्लियर है बेटा सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन का मतलब क्या है? मतलब सबस्ट्रेट लेवल पे, सबस्ट्रेट्स क्या है? ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज से एनर्जी हम निकाल के एडीपी से एटीपी कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन, जिसमें किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट प्रोसेस समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को हम ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रीसिंथेसिस प्रोसेस से भी जानते हैं। आपको पता है हम इसको एमपी बोली पाथवे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। बिकॉज इट लिंक्स विद एनाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स।
क्योंकि इसी प्रोसेस से हम एनाबॉलिज्म भी करते हैं फैट का भी और अमाइनो एसिड्स का भी। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने वाला हूं जब मैं एम्पीबॉलिक पाथवे को बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करूंगा इस लेक्चर्स के बाद, तो जरूर आप उस लेक्चर्स को देखिएगा जिसमें हम आपको ये सारा प्रूव करके दिखाएंगे कि क्यों ग्लाइकोलिसिस को एम्पीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। एन इंटरमीडिएट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लिसराल लेटर फॉर्म्स फैट। ये तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट सेक्शन में। PG is used for synthesis of serine, glycine, cysteine, alanine forms from pyruvate. ये भी वही का पॉइंट है। चलिए अब हम लोग आते हैं फाइनल उस प्रोसेस को, जो प्रोसेस कहां हो रही है, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हम पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं, लेकिन एक भी कार्बन का लॉस हम नहीं करेंगे। देखिए किस तरीके से पूरी प्रोसेस ब्यूटीफुल तरीके से चलती है, इसको आप समझिए। तो हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, हम लोग स्टडी करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लूकोज का हमने वन मॉलिक्यूल लिया, और आपको पता है ग्लूकोज सिक्स कार्बन कंपाउंड होता है, कोई डाउट इस पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अब ग्लूकोज आपको पता है ये प्रोसेस कहां हो रही है, प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में हो रही है, और प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को कराते हैं। तो एक तो क्वेश्चन यहां से बनेगा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले जो ग्लूकोज का सिक्स कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, तो साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है एंजाइम का, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, और इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करते हैं। यस, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ग्लूकोज से हम ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनाएंगे। कैसे बनेगा सिक्स फॉस्फेट, देखिए ग्लूकोज तो ऑलरेडी C6H12O6 है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, देखिए जब भी हमें कोई चीज स्टार्ट करनी होती, जैसे सपोज है आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, हमको भी इससे प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज से हमें क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालनी है, उस एनर्जी का यूज करके हमें ATP बनाना है। तो भाई कुछ बनाने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और आप जानते हो इन्वेस्टमेंट के लिए जो करेंसी है प्लांट में वो ATP होती है। तो पहला इन्वेस्टमेंट यहां पर होता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, तो हम यहां पर एक ATP को इनपुट कराएंगे, और ATP को हम ADP में कन्वर्ट करेंगे, तो जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो इसका एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएगा, ग्लूकोज के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। तो ये फास्फेट कहां से आया है, ATP से आया है, तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया, ग्लूकोज सिक्स फास्फेट। आप देखिए अब चूंकि धीरे धीरे हमें ब्रेक डाउन करना है, तो सबसे पहले हमने ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज सिक्स फास्फेट में। आप देखिए क्या हुआ, अब ग्लूकोज सिक्स फास्फेट को हम फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट में इसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये ग्लूकोज से जो फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट बना रहे हैं, एक्चुअली ग्लूकोज सिक्स फास्फेट और फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट एक दूसरे के आइसोमर क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। इसलिए जो रिएक्शन है वो ये किस तरीके का कन्वर्जन है, ये एक तरीके का आइसोमेरिज्म है। तो जैसा कि प्रोसेस आइसोमेरिज्म है, तो इसमें जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम को बोलेंगे आइसोमेरेज एंजाइम। तो आइसोमेरेज एंजाइम ने क्या किया, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। आप देखें फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट को अगर आप देखेंगे, तो अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में उपस्थित एक नया एंजाइम होगा जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये जो फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट है हमें इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में, मतलब बाईफास्फेट हो गया, यहां पर एक फास्फेट था यहां पर दो फास्फेट हो गया, तो ये दूसरा फास्फेट आया कहां से है, तो अगर देखो दूसरा फास्फेट इसी ATP से आया है, इसलिए एक ATP को फिर हमें यहां पर लगाना होगा। तो ATP हमने लगाया तो इसी का इनऑर्गेनिक फास्फेट इसके साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट था वो कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में। तो बाई का मतलब क्या होता है, दो, मतलब फास्फेट के अब दो ग्रुप है। तो ये दूसरा ग्रुप कहां से आया, ATP से है। तो अगर आप फाइनल देखो यहां पर, तो अभी हमने एक ATP यहां पर लगा दिया और एक ATP यहां पर लगा दिया, हमने दो ATP हमने इन्वेस्ट कर दिए, अभी हमने बनाया कुछ नहीं, जबकि ग्लाइकोलिसिस से हमें ATP चाहिए। लेकिन कैसे होगा,
अभी तो हमने 2 एटीपी लगा ही दिए और फाइनली ग्लूकोज को अभी हम फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में ही कन्वर्ट कर पाए हैं। अभी तो हम इसे पाइरूविक एसिड बनाना है ना। अब देखो क्या हो, अब होगा ये कि जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। यहां पर एडोलेज एंजाइम जो साइटोप्लाज्म में होता है, इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को ये 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। फिर से बताता हूं, एडोलेज एंजाइम जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को ये 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। और इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपको पता होना चाहिए, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के आइसोमर भी होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? तो पहला है ट्रायोज फॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और देखो ये है 3 कार्बन कंपाउंड, याद रखिएगा। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो है ग्लिसरेडीहाइड फॉस्फेट, ये भी है 3 कार्बन कंपाउंड। तो देखो 3 कार्बन ये है, 3 कार्बन ये है। अगर लेकिन जब तक इसके 2 मॉलिक्यूल नहीं होंगे तब तक 6 कार्बन तो बैलेंस होंगे नहीं। तो 2 मॉलिक्यूल हम मान लेते हैं इसके हैं और 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, तभी तो 6 कार्बन होंगे। लेकिन ये एक दूसरे में क्या है, ये इंटरकन्वर्टेबल है। और जो एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। याद रखिएगा एंजाइम क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। तो हमने क्या किया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को एडोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 2 मॉलिक्यूल में टूट गया, और एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरेडीहाइड फॉस्फेट का और दूसरा मॉलिक्यूल है ट्रायोज फॉस्फेट, जिसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखिए, अब चूंकि ये दोनों मॉलिक्यूल इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरेडीहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लिसरेडीहाइड फॉस्फेट भी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आगे होगा क्या, अब इनमें से हम एक मॉलिक्यूल ले लेंगे। हम ये मान लेंगे कि भाई डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लिसरेडीहाइड में। और आप जानते हैं जब भी हम किसी एल्डिहाइड का उसमें हम H+ ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखो, अब यहां से हम इसमें से एक मॉलिक्यूल्स को आगे लेके चलेंगे। चलिए अब क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा कि जो ग्लिसरेडीहाइड है यहां से H+ बाहर निकालेंगे। यस, तो H+ जब बाहर निकालेंगे तो NAD+ जो है वो इसको रिसीव करेगा और NADH+ H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा यही NADH+ H+ कहां से बना है, जब NAD ने H+ को क्या कर गया, रिसीव किया है। H का मतलब है प्रोटॉन। अब हम मान लेते हैं कि ग्लिसरेडीहाइड के चूंकि 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इससे 2 H ही तो बाहर आएंगे। तो जब 2 H बाहर आएंगे तो NAD के भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो NAD के जब 2 मॉलिक्यूल 2 H को रिसीव करेंगे तो NADH+ H+ के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा अभी भी जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है कैसे बनेगा, हम इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड कराएंगे। तो जब हम इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड कराएंगे माय डियर फ्रेंड, तो यहां पर जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हमने क्या किया, एल्डिहाइड से क्या बना दिया, एसिड बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर प्रोसेस कैसे हो रही है। यहां पर जो ग्लिसरेडीहाइड था, ग्लिसरेडीहाइड फॉस्फेट था, इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बाई का मतलब क्या है, बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने यहां से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया है। ये H3PO4 क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया है, इसी का फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा है, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये जो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, अभी भी ये 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन हमको 6 कार्बन चाहिए, इसीलिए हमने इसके कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, अभी तक हमारा कोई भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ। अब देखिए यहां पर भी हम 6 कार्बन लेके आए थे ग्लूकोज से, और अभी तक हमने 6 कार्बन बनाया हुआ है, क्योंकि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिया है, दैट इज व्हाई यहां पर भी आपको 6 कार्बन दिख रहा है। अब क्या होगा, अब यहां से होगा कि अब देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर जो 2 मॉलिक्यूल है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, अब यहां पर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है ट्रांसफॉस्फोराइलेजेस एंजाइम। अब यही ट्रांसफॉस्फोराइलेजेस एंजाइम ही वो काम करेगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट्स है, और ये ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम
13 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से। तो इसका जो बाई था, दो थे ना, तो एक फास्फेट कहां गया, वो फास्फेट इस एडीपी के साथ जुड़ेगा और फाइनली ये एडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। ये बाई था ना, इसका एक फास्फेट कहां चला गया, इस फास्फेट को किसने लिया, एडीपी ने लिया, एडिनोसिन डाइफास्फेट था, इसने एक फास्फेट को लिया, किसमें कन्वर्ट हो गया, एटीपी में। अब याद रखिएगा, क्योंकि 13 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड के हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो एटीपी भी तो हमें दो लेना पड़ेगा, तो दो एटीपी अगर हम यहां लेंगे तो दो ही एडीपी दो इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप को रिसीव करेंगे और दो एटीपी यहां से बना लेंगे। तो फाइनल देखो, दो एटीपी हमने बना लिया, हमने यूज कहां पे किया था, एक एटीपी यहां बनाया था, एक एटीपी यहां बनाया था, तो दो एटीपी बनाया नहीं था, सॉरी, हमने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट यहां पर हमने ले लिया, वापस रिटर्न ले लिया, मतलब जितने लगाए थे उतने वापस आ गए। क्लियर है? आप देखो क्या होगा, अब यहां से आपका टू जो दो मॉलिक्यूल है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का, अब यहां पर आइसोमेराइज रिएक्शन होगी बाई म्यूटेज एंजाइम के द्वारा, और जब आइसोमेराइज जब रिएक्शन होगी तो ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 2 फास्फोग्लिसरेट में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है 2 फास्फोग्लिसरेट में, और ये 2 फास्फोग्लिसरेट भी अभी 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब अभी यहां पर भी अभी आपको 6 कार्बन कंपाउंड्स मिल रहे हैं। अब देखो, अब यहां पर इनोलेशन रिएक्शन होगी और यहां पर इनोलेज एंजाइम करेगा और इनोलेज एंजाइम वर्क करेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आएगा। याद रखिएगा, इनोलेशन रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आता है आउटपुट्स के रूप में, और ये इनोलेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो 2 फास्फोग्लिसरेट से जब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल लेगा, चूंकि यहां पर दो मॉलिक्यूल है, तो अगर एक मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो अगर दो मॉलिक्यूल है तो दो वाटर के मॉलिक्यूल निकल आएंगे। अब देखिए, जो 2 फास्फोग्लिसरेट है, एनोलेज ने इसको कन्वर्ट कर दिया फॉस्फोइनाल पाइरुवेट में, जिसको हम पेप के भी नाम से जानते हैं, और ये भी अभी 3 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर भी अभी 6 कार्बन है। कहां गए हम, ग्लाइकोलिसिस की सेकेंड लास्ट रिएक्शन में आ गए, फॉस्फोइनाल पाइरुवेट हमने बना लिया। अब देखिए, यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, यही फॉस्फोइनाल जो पाइरुवेट है, यहां पर एक पाइरुविक एसिड काइनेज एंजाइम वर्क करेगा इस फॉस्फोइनाल पाइरुवेट पे, और इसके द्वारा हम बना लेंगे पाइरुविक एसिड, जो कि दो मॉलिक्यूल है पाइरुविक एसिड का, और एक ऐसा है 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 3 कार्बन कंपाउंड के हमने कितने मॉलिक्यूल बनाए, 2, तो टोटल कार्बन अभी यहां पर आपको कितने दिख रहे हैं, 6। अब जरा फाइनल जब इसको एनालाइज करोगे, जब इसको फाइनल एनालाइज करोगे, तो आप देखिए, शुरुआत में आपने देखा यहां पर ग्लूकोज पे कितने थे, 6 कार्बन थे, यहां पर कितने हैं, 6 कार्बन है। हमारा लक्ष्य क्या था, हमने ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप हमने तोड़ा, और फाइनली तोड़ते हुए फाइनली हमने पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना लिए। हुआ क्या, हमने सबसे पहले 2 एटीपी को यहां पर कंज्यूम कराया, लेकिन दोनों एटीपी हमने यहां पर गेन कर लिए, मतलब जितना लगाया था उतना आ गया, लेकिन अभी तो हमें एटीपी चाहिए ना, कैसे आएगा, वो एटीपी कहां है, देखिए वो एटीपी यहां है। अब जब हम फॉस्फोइनाल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बनाएंगे, तो यही सेकेंड लास्ट जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन के द्वारा यहां पर जो एडीपी है, यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेंगे और इससे 2 एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हमें चाहिए क्या था, हमें एटीपी बनाना था, तो देखो 2 एटीपी बनाने के लिए हमने 2 एटीपी बनाने के लिए हमने यूज कितना कर दिया, देखो यहां पर हमने 1 एटीपी कंज्यूम कराया, 1 एटीपी कंज्यूम कराया, तो 2 एटीपी हमने लगाए, लेकिन बनाए कितने, 2 यहां बनाए, 2 यहां बनाए, मतलब 4 एटीपी बनाए, लेकिन हमने 2 यूज कर दिए, तो नेट गेन कितना हुआ, 2 एटीपी का, और जो फाइनल हमें चाहिए वो एटीपी ही चाहिए। तो सोच के देखिए कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यही ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से ही वो एटीपी अपनी एनर्जी को बनाते हैं। क्लियर है? जरा मैं इसको फिर से आपको जल्दी जल्दी इस रिएक्शंस को पूरा फिर से समझा देता हूं, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, एक बार पूरा रिमाइंड हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को आप देखेंगे, एक मिनट, यस ग्लाइकोलिसिस, ये तो सब्सट्रेट लेवल का फास्फोरिलेशन हो गया,
आगे आते हैं यस। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। सबसे पहले हमने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया जो कि 6 कार्बन है, इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने काम किया, एटीपी एक इन्वेस्टमेंट कराया, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना लिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से, दोनों इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म होते हैं। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में हमने फ्रक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर लिया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, क्योंकि एटीपी यहां पर हमने कंज्यूम करा ही, इसी का इनऑर्गेनिक फास्फेट इसके साथ लग गया। फिर हमने एडोलेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जो कि इंटर कन्वर्टेबल है। फिर फाइनल हमने क्या किया, यहां पर एनएडी के प्लस एनएडी प्लस के साथ एच इसने रिसीव किया, एच यहां से आया प्रोटॉन और फाइनली 2 एनएडीएच प्लस एच प्लस बना। इनऑर्गेनिक फास्फेट का भी यूज किया और फाइनल हमने बना लिया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस ग्लिसरिक एसिड में जब हम फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे तो यहीं पर एटीपी आपके बनेंगे और एंजाइम होगा ट्रांसफास्फोराइलेज, फिर आइसोमेराइज रिएक्शन होगी, म्यूटेज एंजाइम यहां पर वर्क करेगा और हम बना लेंगे 2 फास्फोग्लिसरिक। इसके बाद क्या होगा, यहां पर एनोलेज एंजाइम की वजह से एनोलेशन होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आएगा, हम प्रोडक्ट बना लेंगे फास्फोइनाल पाइरुवेट जो कि सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, और इससे हम पाइरुविक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थित में इससे हम बना लेंगे पाइरुविक एसिड और यहां पर हमें 2 एटीपी का नेट गेन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर हमने देखा कि व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बाय विच वी कैन गेन 2 एटीपी। एक्चुअली हम बनाते कितने हैं, 4 एटीपी, लेकिन 2 इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, दैट इज वाई हमें नेट गेन 2 एटीपी का हो जाता है जो हमारा उद्देश्य था। चलिए जरा कुछ फैक्ट और हम लोग ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड जो बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की फैक्ट की बात करें तो हम ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है एम्बेडेड मैरहॉफ पर्नास पाथवे। इस पाथवे को जो डिस्कवर्ड किया था गुस्टाव एम्बेडेड, ओटो मेयरहॉफ एंड जैकब कैरोल पर्नास ने डिस्कवर किया था। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो वहां पर एरोबिक फास्फोराइलेशन होगा नहीं, तो वहां पर क्या होता है कि जो एटीपी जो एनर्जी का सोर्स है वो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन ही है। इसलिए जिन ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो जो एनर्जी जनरेट होती है वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस ही जनरेट होती है, और आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का नेट गेन होता है। पहला स्टेप जो होता है चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस वहां पर कॉमन पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस होगी, पाइरुविक एसिड बनाएंगे, फिर हम उसका एसिटाइलेशन करेंगे, एस्टिल को एंजाइम ए बनाएंगे, मतलब एस्टिल को एंजाइम ए कॉमन प्रोडक्ट है जो क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा। एस्टिल को एंजाइम हमें बनाना ही बनाना है, चाहे हमारा सबस्ट्रेट ग्लूकोज हो, चाहे हमारा सबस्ट्रेट प्रोटीन हो, चाहे हमारा सबस्ट्रेट फैट हो, इस चीज को माइंड में रखिएगा। फैट हो तो पता आपको बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, और लास्ट प्रोसेस है नो डीकार्बोक्सिलेशन इन ग्लाइकोलिसिस। आपने देखा पूरे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पे हमने कार्बन के 6 मॉलिक्यूल लेके चले थे और पाइरुविक एसिड तक हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल लेके आए, मतलब कोई भी कार्बन बाहर नहीं निकला, इसलिए कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का वहां से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ना तो निकलती है और ना ही किसी तरीके का ऑक्सीजन का यूज होता है। तो माइक्रोस्टेट ये स्टेप बाय स्टेप सारे फैक्ट थे, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूँ, इतनी बेहतरीन और सुंदर स्लाइड्स बनाता हूँ जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा सकूँ। तो अगर ये प्रोसेस आपको अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और जो हमारा ऐप है डीएनसी माई ऐप उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, चैनल्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे एक ऐसे प्रोसेस की जिसमें हम एसिटाइलेशन प्रोसेस तो करेंगे, मतलब एस्टिल को एंजाइम ए बनाएंगे, लेकिन सबस्ट्रेट वहां पर प्रोटीन होगा या तो फैट होगा, और हम समझेंगे कि ग्लाइकोलिसिस को क्यों हम एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।